इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस तरह का आप अपने फोटो में मनपसंद गाना कैसे ऐड कर सकते हो, वो भी बिना किसी ऐप के। आप अपने फोटो में गाना ऐड करके आप अपने सोशल मीडिया में पोस्ट कर सकते हो, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यहाँ पे आप अपने स्टोरीज या फिर स्टेटस में लगा सकते हो। और ये जो मेथड मैं आपको बताऊंगा बहुत सिंपल है, वो भी बिना किसी ऐप के। तो वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। वीडियो में जो भी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा वो सारे स्टेप्स को आपको अच्छे से फॉलो करना है, बिना किसी पार्ट को स्किप किए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने फोन में सबसे पहले गूगल फोटोज को ओपन करना है। गूगल फोटोज यहाँ पे आपको गूगल वाले ऑप्शन में आ जाएगा, जिसमें कि गूगल के सारे ऐप्स होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का गूगल फोटोज आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आपका गूगल फोटो शो नहीं हो रहा है तो सिंपली यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है गूगल फोटोज को। उसके बाद यहाँ पे आपको गूगल फोटो शो हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर आपको टैप करना है। अब यहाँ पे आपके फोन में जितने भी फोटोज होंगे यहाँ पे वो सारे शो हो जाएंगे। सिंपली यहाँ पर आपको बॉटम में लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे टैप करना है। और यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज फोटोज मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपने फोन के कैमरे से फोटो क्लिक किया है तो यहाँ पे आपको वो फोटो कैमरे वाले ऑप्शन में मिल जाएंगे। और अगर कोई इमेज व्हाट्सएप से आया हुआ है तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप इमेज में मिल जाएगा। या फिर अगर आपने कोई इमेज डाउनलोड किया हुआ है तो यहाँ पे आपको डाउनलोड वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं एग्जाम्पल के लिए कोई फोटो चूज कर लेता हूँ। आप यहाँ पे सिंगल फोटो में भी गाना ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं 3-4 फोटो ऐड कर लेता हूँ। फोटो चूज कर लेने के बाद यहाँ पे आपको टॉप में प्लस वाले ऑप्शन पे टैप करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक मूवी का ऑप्शन दिख जाता है, सिंपली आपको इस ऑप्शन पे टैप करना है। यहाँ पे आपको अपने फ़ोन का इंटरनेट ऑन रखना है। अब उसके बाद यहाँ पे सारा फोटो ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो हर फोटो का टाइमिंग होगा यहाँ से भी आप वो एडजस्ट कर सकते हो, मतलब कि वो फोटो कितने सेकेंड तक अपीयर होगा। अगर यहाँ पे आपको और फोटो ऐड करना है तो यहाँ पे आपको ऐड फोटोज एंड वीडियोज वाले ऑप्शन पे टैप करके आप फोटो वीडियो ऐड कर सकते हो। और अगर यहाँ से आपको कोई फोटो को रिमूव करना है तो यहाँ पे आपको साइड में 3 डॉट वाले ऑप्शन पे टैप करना है, और यहाँ पे आप रिमूव वाले ऑप्शन पे टैप करके फोटो को रिमूव कर सकते हो। अगर आपको सेम फोटो ऐड करना है तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे टैप करना है, और यहाँ से भी आप कोई फोटो या फिर वीडियो ऐड कर सकते हो इंसर्ट क्लिप पे टैप करके। अब उसके बाद इस फोटो में म्यूजिक ऐड करना है तो यहाँ पे आपको एक म्यूजिक का ऑप्शन होता है, सिंपली आपको इस ऑप्शन पे टैप करना है और यहाँ माई म्यूजिक वाले ऑप्शन पे टैप करना है। उसके बाद आपके फ़ोन में जितने भी डाउनलोडेड म्यूजिक होंगे यहाँ पे वो सारे लिस्ट हो जाएंगे, और यहाँ से आपको म्यूजिक चूज कर लेना है। उसके बाद आपको टॉप में टिक वाले ऑप्शन पे टैप करना है। अब यहाँ मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ। अब उसके बाद गाना ऐड हो जाने के बाद यहाँ पे आपको सेव कर लेना है, सिंपली आपको सेव वाले ऑप्शन पे टैप करना है। और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आपको थोड़ा वेट करना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। यहाँ पे मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो जो मैंने फोटो में गाना ऐड किया था यहाँ पे वो सेव हो चुका है। तो इस तरीके से आप बिना किसी ऐप के आप अपने फोटो में मनपसंद गाना ऐड कर सकते हो। और ये मेथड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो में मैंने आपको जो भी स्टेप्स बताया वो सारे स्टेप्स आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो में कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो के अलावा अगर आपके पास कोई क्वेरीज, कोई डाउट है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल, इन्फॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।